वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी कहे जाए तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पेटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज CGI कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमिटी बनाती है, दो सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे कैसे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से, अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा, और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुँचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया उन्होंने, कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ ढूंढिए, कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे, और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, NTA खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि CGI साहब ने काफ़ी काफ़ी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमें हर चीज़ जो है वो तह तक जाकर देखना होगा, पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर कहा क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेके उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया, उल्लंघन, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे री टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहाँ पे ये एक्सेप्ट ये लिखा गया था मान्य कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था, तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर, इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहाँ से कहाँ गया, किसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफ़ी देर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है, इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है, एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए CGI ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो, उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि कितने बेनिफिशरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फ़ायदा हुआ है, अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफ़ी देर बात हुई क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है, आप तो जजमेंट लिए, मैं तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप प्रिंट पे जाता है वापस दिल्ली आता है कि नहीं, ये बताया नहीं उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज़ लाएंगे, उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे भी, क्या सारी जगह पेपर हार्ड कॉपी में ट्रैवल करता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसीज हैं, हमारे पास इतने साइबर एजेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ से हम ये पता लगाएं कि जिस टाइम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ तो कोई चांस नहीं। एक और बड़ी चीज़ अच्छी CGI साहब ने ये भी पकड़ी, और मतलब जैसे I was so happy आज मैं इतना खुश था CGI साहब को देख के, आई फेल्ट कि हाँ जस्टिस है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ और बड़ी अच्छी बोली कि कितने अब्रॉड में कहाँ कहाँ पे पेपर कंडक्ट होता है, भारत से बाहर कितने सेंटर्स हैं, और वहाँ पेपर कैसे पहुँचता है, क्या वहाँ पेपर डिजिटली पहुँचता है, अगर डिजिटली पहुँचता है तो लीक होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बात की कि हम एक
कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर लगाएं, कोई साइबर ऑडिट लगाएं, ऑडिट वर्ड तो नहीं हुआ था कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी लगाएं और पता करें कि पेपर कहीं डिजिटली तो लीक नहीं हुआ है। फिलहाल काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले ही काउंसलिंग से पहले ही रोक लगी थी, वो रोक जारी रहेगी प्रैक्टिकली? तो 11 जुलाई को सुनवाई प्रैक्टिकली तो ऐसा ही लगता है मुझे भी। आप और क्या उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज हियरिंग हुई, आपको लगता है कि रीनीट का ऑर्डर? देखिए, आज की हियरिंग से ये समझ में आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की CJI बेंच और CJI सर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये भी बोला कि ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि सबसे प्रेस्टीज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है भारत का, नीट का एग्ज़ाम, और इसके अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो दिक्कत है। दूसरा, आप ये भी देखो, उन्होंने ये भी बोला, बड़ी ही देखा जाए तो बड़ी दूरदर्शी भी थी, उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर क्या स्टेप लेंगे आप कि अगली बार ऐसा लीक ना हो। चलो ठीक है, इस बार लीक हो गया पेपर, उन्होंने ज़्यादा प्रिज्यूम किया ये चीज़ कि लीक हुआ है क्योंकि प्रूफ्स काफ़ी सारे सामने थे। उनका नेक्स्ट ईयर नहीं लीक हो, इस बात को आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे SOP इंप्लीमेंट होंगे? तो ओवरऑल इस सबसे होपफुल तो है कि जो डिसीजन आएगा बच्चों के फेवर में होगा और वो जस्टिस होगी। पर हाँ, ऐसे में यही है कि वैसे फैसलों में फैसले आ सकते हैं, न्याय आना बहुत मुश्किल है। रीनीट होता है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत से बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं होता है तो पता नहीं, तो भी दिक्कत है शायद, अगर पूरा प्रोसेस ब्रीच्ड है तो इस बारे में कहना भी डिफिकल्ट है। यस, बात की उस बारे में कि एक कमेटी बनाई जाए, उन्होंने ये भी सजेशन दिया।